Hello dear students, good morning all. I was explaining yesterday the making of a scientist about Richard Ebright, who did a lot of experiments about some insects and butterflies. So we were discussing yesterday. Let me choose some pen first. यस सो आई वॉज टीचिंग यू डियर स्टूडेंट्स हियर. कहानी क्या कहती थी कि जो हमारे एब्राइट थे वो समझ गए थे कि जो रियल विनर्स हैं उन्होंने क्या किया है. उन्होंने कुछ रियल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं. उन्होंने कोई साधारण सी चीज़ नहीं दिखाई है जो कि एब्राइट ने दिखाई थी. एंड टूडे ऑलरेडी द कम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपियरिंग. आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट ही सेड. The subject I knew most about was the insect work I'd been doing in the past several years. तो अभी हमारे जो रिचार्ड हैं उनमें भी एक कंपटीशन की भावना आ गई थी और अब वे जान गए थे कि नेक्स्ट ईयर मुझे क्या करना है. मुझे कोई रियल एक्सपेरिमेंट करना है. और उन्होंने कहा कि जो जिस विषय पर वो पिछले 7 सालों से काम कर रहे हैं वो था इंसेक्ट, और उसके बारे में वो सबसे ज़्यादा जानते थे, इसलिए वो कोई रियल एक्सपेरिमेंट बिल्कुल कर सकते थे. नाउ सो ही रोड टू डॉक्टर अर्कहार्ट फॉर आइडियाज एंड बैक केम स्टॉक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स. तो उसने डॉक्टर अर्कहार्ट को लिखा आइडियाज़ के लिए, और डॉक्टर अर्कहार्ट ने उसके पास बहुत सारे सजेशंस भेजे एक्सपेरिमेंट्स को लेकर. दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेट टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन कंट्री एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स. जिसमें जो एब्राइट थे वो अपने हाई स्कूल के दिनों में भी अपनी हाई स्कूल की बुक्स ना पढ़ के उन एक्सपेरिमेंट्स में ही बिजी रहे, और उन्होंने इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में कुछ प्राइज जीतने की तरफ कदम बढ़ाए. फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ ए वायरल disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. जब एब्राइट 8th क्लास में थे तो उन्होंने उस कोज के बारे में पता लगाने का ट्राई किया, कोशिश किया. क्या कोशिश किया कि जिसमें कुछ जो हमारी बटरफ्लाइज थी, जो कैटरपिलर्स थे, उनको एक वायरल डिजीज हो जाती थी और वो कुछ ही साल बाद मर जाती थी. एब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल. हो सकता है ये बीमारियाँ बीटल की वजह से आती हों. बीटल होता है भवरा. ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स. उसने बीटल्स की प्रेजेंस को कैटरपिलर्स के पास से हटाने की कोशिश की. आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स ही सेड. उसने कहा कि इससे मुझे कोई रियल रिजल्ट नहीं मिला, बट आई वेंट अहेड एंड शोर दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट दिस टाइम आई वोंट. लेकिन उसे एक आइडिया हो गया कि मैं सही दिशा में चल रहा हूँ और मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और इससे मैं जीत गया. द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वायसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स. द थ्योरी वॉज दैट वायसरॉयज look like monarchs because monarchs don't taste good to birds. Viceroys on the other hand do taste good to birds. और अगले साल उसका जो फेयर प्रोजेक्ट था, जो साइंस फेयर प्रोजेक्ट था, वो ये था कि उसको ये टेस्ट करना था कि जो वायसराय बटरफ्लाइज होती है, देखो मैं अपने शब्दों में समझाऊंगा, यहाँ दो तरह की बटरफ्लाइज है, एक वायसराय बटरफ्लाइज और दूसरी मोनार्क्स. ठीक है बेटा, एक वायसराय बटरफ्लाइज है, एक मोनार्क्स. तो जो वायसराय बटरफ्लाइज होती है मोनार्क्स को कॉपी करती है, मोनार्क की तरह रहने की कोशिश करती है और मोनार्क की तरह उड़ने चलने फिरने की कोशिश करती है. क्यों? क्योंकि ये ऐसा इसलिए है कि जो वायसराय हैं वो मोनार्क की तरह दिखती हैं, इसलिए क्योंकि जो पक्षी होते हैं, पक्षियों को मोनार्क खाने में अच्छी नहीं लगती. पक्षी मोनार्क तितलियों को नहीं खाते, इसीलिए वायसराय मोनार्क की जैसे बनने की कोशिश करती है. क्यों? जिससे कि पक्षी वो पक्षियों का भोजन ना बने. क्यों नहीं समझे? देखो दो तितलियां हैं हमारे पास, एक तो वायसराय बटरफ्लाइज, दूसरी मोनार्क्स. तो वायसराय बटरफ्लाइज मोनार्क्स जैसा बनने की कोशिश करती है क्योंकि जो पक्षी होते हैं वो, जो बर्ड्स होते हैं, मोनार्क्स को नहीं खाते हैं. इसलिए वायसराय समझती है कि यदि हम मोनार्क जैसे बनकर रहेंगे तो हम पक्षी हमें नहीं खाएंगे और हमारी जान बच जाएगी.
दैट वॉज द रीजन राइट होप यू यू मे अंडरस्टैंड सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर तो इसलिए वो जितना मोनार्क्स तरह बनकर रहेंगी इतना ही कम पॉसिबिलिटीज है कि वो बर्ड्स का डिनर बने एम्ब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स ही फाउंड दैट अ स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड अब एब्राइट का प्रोजेक्ट क्या था बच्चों अब एब्राइट का अगला प्रोजेक्ट यह था कि यह देखना वॉज टू सी वेदर इनफैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स के क्या बर्ड्स मोनार्क को खाती है या नहीं तो उसने पाया उसे पता चला ही फाउंड दैट स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरली के एक पक्षी है स्टारलिंग यानी मैना वो कोई ऐसी वैसी चीज़ों को नहीं खाती है कोई ऑर्डिनरी यानी कोई साधारण चीज़ों को वह नहीं खाती है जैसे कोई साधारण पक्षी खाते हैं उस तरह का भोजन नहीं करती है तो उसका मतलब क्या हुआ इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट तो जो भी उससे मोनार्क्स मिलेंगे वो उन सबको खा जाएगी एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वाज प्रोबेबली टू कॉपी द मोनार्क्स और एब्राइट ने ये भी बताया बाद में कि कुछ लोगों ने रिसर्च किया और यह दिखाया कि वॉसराय भी मोनार्क की कॉपी करती हैं यानी दूसरे लोगों ने भी बताया कि वाकई में वॉसराय बटरफ्लाइज मोनार्क का कॉपी करती हैं दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द कंट्री साइंस फेयर तो ये जो प्रोजेक्ट था एब्राइट का ये उस जूलॉजी के डिवीजन जो साइंस फेयर था उसमें फर्स्ट प्लेस पर रखा गया और ओवरऑल इन द कंट्री साइंस फेयर और पूरे देश के साइंस फेयर में नंबर थर्ड पर उसका प्रोजेक्ट रखा गया इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट बिगेन द रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हॉर्मोन indirectly it also led to his new theory on the life of cells to apne high school ke second year mein Richard Ebright ne ye research karna shuru kiya ki vah jo unknown insect ke hormones hote hain un par khoj karna shuru kiya indirectly usko ye bhi pata chala कि सेल्स का न्यू प्रिंसिपल या फिर न्यू थ्योरी क्या होती है कि सेल्स कैसे काम करते हैं उसको ये भी पता चला साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट के साथ साथ में द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वो सिंपल व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा अब जो प्रश्न था उसका जिसकी वह आंसर ढूंढने की कोशिश किया करता था वह बहुत सिंपल था वो प्रश्न ये था कि जो हमारे मोनार्क प्यूपा के ऊपर 12 गोल्ड स्पॉट्स होते हैं टाइनी यानी छोटे छोटे 12 गोल्ड कलर के स्पॉट्स होते हैं धब्बे होते हैं उनका क्या पर्पज़ होता है उनका काम क्या होता है प्यूपा मैंने आपको बताया था जैसे पहले एग्स होते हैं फिर उसमें से कैटरपिलर्स निकलते हैं छोटे छोटे तितलियाँ जिनके जो पूरी डेवलप नहीं होती फिर प्यूपा बनते हैं थोड़े डेवलप हो जाते हैं और फिर एडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है ठीक है बेटा तो एवरीवन अज्यूम्ड द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल एब्राइट सैड बट डॉक्टर अर्कहार्ट डिडंट बिलीव इट प्रत्येक व्यक्ति ने यह अज्यूम कर लिया था इस बात पर विश्वास कर लिया था कि जो स्पॉट्स होते हैं वो सिर्फ ऑर्नामेंटल होते हैं ऑर्नामेंटल मतलब सिर्फ सजावट के लिए सिर्फ आभूषण या गहने जैसे पहनते हैं हम सजावट के लिए तो ये जो स्पॉट्स होते हैं प्यूपा के ऊपर जो 12 गोल्ड कलर के स्पॉट्स होते हैं ये सिर्फ ऑर्नामेंटल होते हैं सिर्फ सजावट के लिए होते हैं एब्राइट ने यह बात खुद बताई मगर एब्राइट ने यह भी कहा बट डॉक्टर अर्कहार्ट डिडंट बिलीव डॉक्टर अर्कहार्ट ने इस बात पर बिलीव नहीं किया कि सिर्फ सजावट के लिए किसी जानवर के शरीर पर ये दाग धब्बे नहीं हो सकते टू फाइंड द आंसर एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस दैट शोड दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट तो इस बात का आंसर खोजने के लिए एब्राइट ने और दूसरे उसके जो एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट थे जो उसी की तरह दूसरे टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक डिवाइस बनाया जिस डिवाइस ने यह दिखाया कि जो स्पॉट्स होते हैं वो एक विशेष प्रकार का एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है बॉडी में जो किसके लिए नेसेसरी होता है जो बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होता है तो क्या बताया बच्चों एब्राइट ने और उसके जैसे दूसरे साइंस के जो एक्सीलेंट स्टूडेंट थे उन्होंने एक डिवाइस बनाया एक मशीन बनाई जिसने ये दिखाया कि जो बटरफ्लाई के ऊपर जो स्पॉट्स होते हैं वो क्या करते हैं वो एक स्पेशल हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं प्रोड्यूस करते हैं जिससे बटरफ्लाई का डेवलपमेंट होता है ये उन्होंने पता लगा लिया उस मशीन के जरिए दिस प्रोजेक्ट वॉन ए ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर तो इस प्रोजेक्ट से एब्राइट ने फर्स्ट प्लेस जीता बेटा कंट्री में कंट्री फेयर में फर्स्ट उसने फर्स्ट प्लेस जीता
और वह कहाँ पहुँच गया, इंटरनेशनल साइंस इंजीनियरिंग फेयर तक वह पहुँच गया इस फर्स्ट प्राइज से। देयर कहाँ थे बेटा, हाँ यहाँ पे, देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, इससे जूलॉजी में उसका थर्ड प्लेस आया। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। और बेटा साथ ही साथ जैसे उसका जूलॉजी में उसका थर्ड प्लेस आया, साथ ही साथ उसको एक चांस भी मिला। कौन सा चांस? ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर, गर्मियों के दौरान काम करने का कहाँ पे, एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। तो एक इंस्टीट्यूट था जिसका नाम था वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, में उसे एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में काम करने का मौका भी मिला गर्मियों में, वहां की एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में। फिर देखो आगे, एज ए हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क क्यूपा। जब वह हाई स्कूल में था फिर भी उसने, रिचर्ड एब्राइट ने अपने एडवांस एक्सपेरिमेंट्स मोनार्क और क्यूपा के ऊपर करने, मोनार्क क्यूपा के ऊपर करने जारी रखे, कंटिन्यू रखे। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army Laboratory during the summer. फिर जो उसने प्यूपा के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट जारी रखे, इससे भी इस बार क्या हुआ, उसके जो प्रोजेक्ट थे उन्होंने फर्स्ट प्लेस जीता, कहाँ पे, इंटरनेशनल साइंस फेयर में, जिसने उसको एक मौका दिया, दैट गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। फिर इससे उसे दूसरा मौका मिला गर्मियों में आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का। इन his senior year, he went a step further. फिर जब उससे अगले साल जब वह नेक्स्ट क्लास में आया, फिर उसको उसके अपना नेक्स्ट स्टेप रखा। वह नेक्स्ट स्टेप क्या था, he grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scale only if they were fed the hormone from the gold spots. फिर उसने क्या किया, जब वह बड़ी क्लास में आ गया, उसने सेल्स ग्रो किए, सेल्स उगाए कहाँ पर, मोनार्क्स के विंग पर, जो मोनार्क तितली होती है उनके पंखों पर उसने सेल्स उगाए, और उसने यह दिखाया कि जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं एक से दूसरे में, और यही बटरफ्लाइज के डेवलपमेंट का कारण बनते हैं। और ऐसा कब होता है, जब उन्हें वो हॉर्मोन्स मिले उन गोल्ड स्पॉट्स पे। जब तक तितलियों को गोल्ड स्पॉट्स से, जो हमने बताए थे कि 12 धब्बे होते हैं गोल्डन कलर के, जब तक गोल्ड स्पॉट से उन्हें हॉर्मोन्स नहीं मिलता, तब तक उनकी सेल्स डिवाइड नहीं होती और ना ही उनका विकास होता है। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। फिर उसने ये जो काम किया, इस प्रोजेक्ट ने उसे फिर से उसे फर्स्ट प्लेस दिलाया जूलॉजी में, कहाँ पे, द इंटरनेशनल फेयर में। इंटरनेशनल यानी अब वह अपने देश से बाहर चला गया और पूरी दुनिया के जो इंटरनेशनल फेयर होते हैं साइंस के, जूलॉजी के, उसमें उसका फर्स्ट प्लेस आया। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। बेटा उससे उसको एक नया और मौका मिला कहाँ पे काम करने का, द लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, अमेरिका में एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में उसको जो US डिपार्टमेंट था, लेबोरेटरी थी वहां की, उसे वहां पर काम करने का एक नया मौका मिला। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। अब देखो बच्चों, अब अगली गर्मियों में उसे कहाँ जाने का मौका मिल गया, वह बिल्कुल फ्रेशमैन था, कहाँ पे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। अब वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया ब्राइट, और वह कहाँ गया, एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब वह अपने जहाँ पे पहले काम कर रहा था, द लेबोरेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में वापस गया, क्या करने के लिए, एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन, तितलियों के हॉर्मोन्स पर, जो कहाँ से निकलते हैं, जो गोल्ड स्पॉट से निकलते हैं, उस हॉर्मोन्स पर वर्क करने के लिए वापस उसी डिपार्टमेंट में गया। यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हॉर्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। अब वहाँ जो एक से एक जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनका यूज करके उसने ये भी पता लगा लिया कि जो बटरफ्लाइज होती है उसमें जो केमिकल हॉर्मोन्स का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे वर्क करता है। वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें थी और वहाँ बहुत ही एडवांस और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड यानी मॉडर्न मशीनें थी एक से एक। A year and a half later, during his journey, junior year, Ebright got the idea
फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। फिर जैसे ही जूनियर ईयर में था, यानी जहाँ जो वहाँ ग्रेजुएशन वगैरह कर रहा था, वो जब उसके फर्स्ट ईयर में था, तो वहाँ उसे एक आइडिया आया। वो आइडिया क्या था कि वह सेल्स लाइफ की थ्योरी के बारे में वर्क करे। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑफ ए हॉर्मोन। और ये आइडिया कब आया, जब वह एक केमिकल स्ट्रक्चर हॉर्मोन का, जब वह हॉर्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर का फोटो को एक्सरे देख रहा था, तब उसको ये आइडिया आया कि मुझे सेल्स पर काम करना चाहिए। वेन ही सा दोज फोटोज ए ब्राइट डिडंट शाउट यूरिका और इवन आई गॉट इट। तो जब वह इन फोटोज को देख रहा था तो एब्राइट जो है चिल्लाया नहीं, ऐसा लगा कि जैसे मैं चिल्लाया नहीं, मेरे मतलब मुंह से ही निकल गया, उसके मुंह से एकदम से मतलब खुशी में निकला कि यूरिका, और जिसका मींस क्या होता है, ए क्राई ऑफ ट्रियम्फ एट ए डिस्कवरी। ए क्राई ऑफ ट्रियम्फ एट ए डिस्कवरी, यानी जब कोई डिस्कवरी करता है और उसकी डिस्कवरी पूरी हो जाती है, तो जो जीत की खुशी में जो चीख निकलती है उसको क्या कहते हैं, यूरिका। तो उसके मुंह से एकदम से यूरिका निकली, और इवन गॉट इट, कि मुझे यह चीज मिल गई है, मैंने ये कर दिखाया। बट ही बिलीव्ड दैट अलोंग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हॉर्मोन्स द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल। बेटा वह चिल्लाया नहीं, बल्कि उसने यह पता लगाया, बल्कि बट ही बिलीव्ड, उसको विश्वास हो गया था कि अलोंग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हॉर्मोन्स, कि वो जो है अपने जो इंसेक्ट होते हैं उनके हॉर्मोन्स पर काम कर रहा था, तो उसके साथ साथ वो तो उसने कर ही रहा था, उसके साथ साथ उन फोटोज ने उसे एक आंसर दे दिया है। और वो आंसर क्या था, टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल्स, कि जो बायोलॉजी के जो पजल्स होते हैं, जो पहेलियाँ होती हैं, उनका उसे आंसर मिल गया था। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, के सेल्स डीएनए का ब्लूप्रिंट कैसे पढ़ा जा सकता है। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल दैट कंट्रोल्स हीरिडिटी। डीएनए किसी सेल्स की न्यूक्लियस का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि उसकी पूरी हीरिडिटी को कंट्रोल करता है। हीरिडिटी यानी जो उसके आगे बढ़ने के जो उसके वंशज होते हैं, या उसी की तरह के जो आगे जीव उत्पन्न होते हैं, उनको कंट्रोल में करता है। इट डिटरमिन्स द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, यह सेल्स के फॉर्म्स और फंक्शंस को डिटरमिन करता है। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, इसलिए डीएनए लाइफ का ब्लूप्रिंट हम कह सकते हैं। देन ए ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वॉन्ग वर्कड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। एब्राइट और उसका कॉलेज का एक रूममेट था जेम्स आर वॉन्ग, इन दोनों ने क्या किया, रात भर काम किया, वर्क ऑल दैट नाइट ड्रॉइंग पिक्चर्स, इन्होंने पूरी रात बिता दी पिक्चर्स बनाने में तितलियों के, और जो प्लास्टिक के मॉडल्स होते हैं मोलिक्यूल्स के, जो छोटे छोटे अणु होते हैं उसे मोलिक्यूल्स कहते हैं, तो जो प्लास्टिक के जो मोलिक्यूल्स होते हैं उसे प्लास्टिक के मॉडल बनाने में इन्होंने पूरी रात बिता दी, और यह देखने के लिए कि यह कैसे होता है, कैसे वर्क करता है। साथ में उन्होंने बाद में लिखा, और उन्होंने इस थ्योरी को साथ साथ एक्सप्लेन भी किया दोनों ने एक साथ। सरप्राइजिंग, नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510। तो कोई भी व्यक्ति सरप्राइज नहीं हुआ, किसी को आश्चर्य नहीं हुआ जब रिचर्ड एब्राइट ने क्या किया, ग्रेजुएशन किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपने हाईएस्ट ऑनर्स में, उसको सेकंड नंबर मिला उसकी, जिसमें 1510 स्टूडेंट थे अपनी ग्रेजुएशन क्लास में, जिसमें 1510 स्टूडेंट थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, उन 1510 में से उसका सेकंड नंबर आया, उसका सेकंड प्लेस आया। तो इस बात पर किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि सब जानते थे कि उसमें कितना टैलेंट है। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी। फिर जो एब्राइट था वह ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बनने के लिए हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में गया, वहाँ पे उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप
टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। यदि यह थ्योरी काम करती है या सिद्ध हो जाती है तो यह हमारा अगला कदम होगा जिंदगी का प्रोसेस समझने में। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज। और यह हमारी हेल्प करेगा न्यू आइडियाज क्रिएट करने में, कैंसर जैसी और दूसरी अन्य खतरनाक बीमारियों को प्रिवेंट करने में, उनको रोकने में। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। और ये सारा का सारा पॉसिबल है किसकी वजह से, एब्राइट की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, जो उसकी साइंस को लेकर उत्सुकता थी उसकी वजह से। हिज हाई स्कूल रिसर्च इन टू द पर्पज ऑफ द स्पोर्ट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। और यह जो उसकी हाई स्कूल की रिसर्च थी, जो रिसर्च कहाँ से स्टार्ट हुई थी, हाई स्कूल में, और पर्पज क्या था, पर्पज ऑफ द स्पोर्ट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा, जो मोनार्क प्यूपा के ऊपर मैंने बताया था गोल्डन कलर के 12 स्पोर्ट्स होते हैं, यह उसका पर्पज था, इसीलिए उसने हाई स्कूल में रिसर्च स्टार्ट किया था। तो उस रिसर्च, वो रिसर्च उसको कहाँ तक ले गई, इवेंचुअली यानी इन द एंड फाइनली, बाद में उसने सेल्स लाइफ के लिए के बारे में थ्योरी भी दी इस उत्सुकता की वजह से अपनी। रिचार्ड एब्राइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। तो रिचार्ड एब्राइट ने पहले अपना इंटरेस्ट कहाँ दिखाया साइंस में, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया था बेटा, बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजन टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। लेकिन कितना डीपली, इतना डीपली भी नहीं था कि इसके पास दूसरी चीज़ों के लिए टाइम ही ना हो। एब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड ए गुड कैनोइस्ट एंड ऑल राउंड आउटडोर्स पर्सन। ये नहीं कि बस उसे यही काम था तितली इकट्ठी करने का ही, इसके सिवा वह और भी कुछ था, पता है क्या था, वह एक चैम्पियन बन गया था, किसमें, डिबेटर, पब्लिक स्पीकर, है ना, यानी उसकी अच्छी स्पीकिंग थी, स्पीच अच्छी करता था, डिबेट करता था, और साथ ही साथ वह अच्छा एक गुड कैनोइस्ट भी था। किसे कहते हैं कैनोइस्ट बेटा, कैनो एक एक तरह की नाव होती है, छोटी बोट होती है, और बोट चलाने वाला होता है कैनोइस्ट, तो वह अच्छा नाविक भी था। एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन, और दूसरे जो आउटडोर पर्सन होते हैं, यानी ऐसे खेल जो आउटडोर खेले जाते हैं घर से बाहर, उनमें भी वह अच्छा व्यक्ति था, अच्छा पर्सन था। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। और वह साथ साथ अच्छा फोटोग्राफर भी था, जो विशेष रूप से किसके लिए, नेचर के फोटोज कैसे था, और साइंटिफिक एग्जिबिट्स यानी जो साइंस की चीज़ें थी, और जो एग्जीबिशन के लिए फोटोज रखे जाते हैं, यानी लोगों को दिखाने के लिए कि देखो साइंस के ये फोटोज है, तो उसमें भी वह अच्छा फोटोग्राफर था। इन हाई स्कूल रिचार्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट स्टूडेंट। अपने हाई स्कूल में तो रिचार्ड एब्राइट सिर्फ एक स्टूडेंट था, वह सीधा साधा एक स्टूडेंट था। एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट स्टूडेंट, है ना, बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी ही टर्नड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स। क्योंकि सीखना बहुत आसान था, है ना, बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, सीखना बहुत आसान था, तो उसने अपनी सारी एनर्जी कहाँ पे मोड़ दी, डिबेटिंग करने में, कहाँ पे, डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स। उसने अपनी सारी एनर्जी सीखने के लिए मॉडल यूनाइटेड क्लब्स में, डिबेटिंग वगैरह में सारी एनर्जी टर्न कर दी, मोड़ दी, यानी जिससे मैं नया सीख सकूँ। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, रिचार्ज ए वीरर, ही सोशल स्टडीज टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स। तो उसे एक एडमायरर भी मिला, जो कि हमेशा उसको एडमायर करता था, हमेशा उसकी प्रशंसा करता था। वह कौन थे, इसको आप एनसर्कल कर लेंगे, रिचार्ज ए वीरर। रिचार्ज वीरर कौन थे, ही सोशल स्टडीज टीचर, उसके SST के टीचर थे, और साथ ही साथ में उसके क्लब्स के एडवाइजर भी थे, जो जिन्होंने उसे क्लब के लिए एडवाइज किया था। मिस्टर वेरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज एब्राइट सेड। तो एब्राइट ने खुद बताया, क्या कहा एब्राइट ने, कि जो मिस्टर वेरर थे वो एक परफेक्ट पर्सन थे मेरे लिए उस टाइम पर, उन्होंने ही मेरी आंखें खोली, जो मेरे माइंड में नए नए विचार आने लगे, उन्होंने ही मेरे माइंड में नए नए विचार आ सके, इसके लिए मेरी आंखें खोली थी। ये बताया किसने, रिचार्ड एब्राइट ने। रिचार्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेरर सैड। तो मिस्टर वेरर ने भी बताया कि जो रिचार्ड था बचपन में, वह इस चीज़ को एक्स्ट्रा एफर्ट देता था, यानी न्यू जो विचार थे उनको सीखने के लिए वह एक्स्ट्रा एफर्ट देता था। वॉट प्लीज मी वॉज, हियर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट डूइंग डिबेट्स रिसर्च बिसाइड डूइंग ऑल हिज रिसर्च विद बटरफ्लाइज एंड हिज अदर इंटरेस्ट्स।
और मिस्टर वियर ने यह भी बताया, पहले तो बताया कि जो रिचार्ड था बहुत ही एक्स्ट्रा एफर्ट डालता था, हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से सीखता था। और यह भी बताया कि एक चीज़ थी जो मुझे बहुत ही प्लीज करती थी, बहुत ही खुश करती थी, वह क्या थी? वह थी कि मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा पर्सन था, यानी रिचार्ड ऐसा आदमी था जो रात को 3-4 घंटे किसके ऊपर रिसर्च करता था, डिबेट के, रात को डिबेट में 3-4 घंटे बिता देता, डिबेट के ऊपर रिसर्च करता था। और इसके अलावा वह रिसर्च करता था बटरफ्लाइज और दूसरे इंटरेस्ट, यानी जो दूसरे जीवों पर उसे इंटरेस्ट था उनमें रिसर्च करता था बटरफ्लाइज के साथ साथ, और साथ साथ क्या करता था, डिबेट में रिसर्च करता था डिबेट पर 3-3, 4-4 घंटे रात के। रिचर्ड वॉज कम्पिटिटिव, मिस्टर वियरर कंटिन्यू। तो मिस्टर वियरर ने बताया कि रिचर्ड बहुत ही कम्पिटिटिव किस्म का स्टूडेंट था, दूसरों से बहुत ही कंपटीशन रखता था, बट नॉट इन ए बैड सेंस, लेकिन बुरी सेंस में नहीं, किसी को गलत नहीं समझता था, ना किसी का बुरा चाहता था। ही एक्सप्लेन, रिचर्ड वॉज एन इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनर्स, विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज, रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड फॉर द राइट सीजन्स, ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट। तो रिचार्ड इसलिए नहीं जीतना चाहता था, इसलिए नहीं एक्सपेरिमेंट्स करता था कि वह जीत सके, कि वह इनाम वगैरह ले सके, बल्कि वह इसलिए जीतता था कि वह खुद को बेस्ट, यानी खुद को क्या करना चाहता था, इसके लिए बेस्ट जॉब करना चाहता था, वह खुद को साबित करना चाहता था कि इस एक्सपेरिमेंट्स का क्या रिजल्ट्स हैं। फॉर द राइट सीजन रीजन्स ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, बल्कि वह बेस्ट बनना चाहता था, वह इसलिए नहीं एक्सपेरिमेंट करता था कि उसे इनाम मिल सके कि वह जीते, नहीं नहीं वह तो लोगों को दिखाना चाहता था रियलिटी। एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, और यही इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक साइंटिस्ट को बनाने में, यानी जो जो चीज़ें लगती हैं एक साइंटिस्ट बनाने में, ये वो होते हैं जो कि रिचर्ड में थी। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड एंड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स। एक फर्स्ट रेट माइंड से स्टार्ट करना होता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं एक साइंटिस्ट बनने में, पहले एक फर्स्ट रेट माइंड से स्टार्ट करना होता है, देन उसमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, फिर एंड मिक्स इन द विल, फिर विल होनी चाहिए यानी इच्छा शक्ति होनी चाहिए जीतने के लिए। एब्राइट हैज दीज क्वालिटीज, और एब्राइट में ये क्वालिटीज थी। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क टैन ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, रिचार्ड एब्राइट हैज नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। जब से उसने बचपन में एक बुक पढ़ी थी जो उसकी मदर ने उसको दी थी, बच्चों के लिए वो बुक थी द ट्रेवल ऑफ मोनार्क टैन, तो जब से उसने वो बुक पढ़ी थी तब से लेकर और आज तक भी ओपन द वर्ल्ड ऑफ, उस बुक ने उसके लिए दुनिया, साइंस की दुनिया के लिए दरवाजे खोल दिए थे, उस बुक ने उसके लिए साइंस की दुनिया के दरवाजे खोल दिए थे, और आज तक भी रिचर्ड ब्राइट हैज नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। और जब से उसने वह बुक पढ़ी उसके बाद तक कभी फिर उसने साइंस को लेकर अपनी क्यूरियोसिटी नहीं खोई, जो साइंस में उसकी उत्सुकता थी, क्यूरियोसिटी थी, उसने फिर कभी नहीं खोई। तो रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ऑथर हैं हमारे। एंड डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कवर्ड वन मोर चैप्टर एंड यू विल बी सेंट the question answers of the chapter very soon. Just few chapters from now have been left, and we will try to complete them also very soon. Okay, take care and watch the video carefully. Then I'll be asking you some questions in our live session. Okay, take care.